वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 30 मई 2022। आज हम लोग हैं चंडीगढ़ से कुछ 15 किलोमीटर पहले, एक शहर है और वहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे किया था। तो ये रूम है हमारा, इस रूम में रात को स्टे किए थे, 900 रुपीज़ पर रूम पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं, रिकॉन्फ्यू पहुँचना है आज हम लोग को, शिमला से आगे है काफ़ी। तो यहाँ हम लोग रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए और ये होटल है, होटल गैलेक्सी व्यू। हम लोग रात को यहीं पे स्टे किए थे, अच्छी जगह है ये। ये हमारी पार्किंग ओपन बाहर पे और ये बिल्कुल हाईवे का साथ का ही है। सरद जी रेडी है? अभी हम लोग पंचकुला एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ से हमें व्यूज़ मिलना शुरू हो गया पहाड़ों का, काफ़ी खूबसूरत है। सबसे पहला शहर जो आएगा वो है सोलन, उसके बाद शिमला और उसके बाद फिर हम लोग रिकॉन्फ्यू। आज टारगेट है हमारा 9 घंटे का। सुबह हो गया है, अब इंडियन फ्लैग अपना खोल देते हैं। शाम के वक्त में जब सनसेट होता है तब मैं इस तिरंगे झंडे को वापस से फोल्ड कर लेता हूं एज़ पर लॉ, जो हमारे झंडे का नियम है। और ये हमारा प्यारा तिरंगा झंडा लहराता हुआ और ये है सामने में हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ सोलन। यहां से 39 किलोमीटर है और सामने में कोई वेलकम गेट है, हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। तो भैया एक फ़ोटो तो बनता है यहाँ पे रुक करके। ये जो मेरे पीछे में गेट देख रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश के एंट्री का गेट और ऑफिशियली हम लोग अब हिमाचल प्रदेश में इंटर कर रहे हैं, यानी अब पहाड़ों के शहर में हम लोग घुस रहे हैं। सोलन यहाँ से 42 किलोमीटर है और शिमला 89 किलोमीटर है, हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत सा ये गेट बना हुआ था और अब हम लोग हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं। अब देखिए भैया पहाड़ों के नज़ारे, 3-4 दिनों से तो आप लोग लगातार हाईवे हाईवे एक्सप्रेसवे ही देख रहे थे, अब आपको पहाड़ दिखाऊंगा मैं, हमारे देश भारत देश के खूबसूरत पहाड़। Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. क्या खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं, मकान वगैरह बना हुआ है पहाड़ों के ऊपर में, यहाँ पे रहने वालों को अलग ही मज़ा मिलता होगा। लेकिन बड़ा अच्छा ये क्रिएटिव बना हुआ है वॉल के ऊपर में और हिमाचल प्रदेश की सभ्यता को, संस्कृति को बड़ा सुंदर तरीके से दिखाया गया। Education, I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 अब यहाँ गियर चेंजिंग में प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक हम लोग फ्लैट सरफेस पे काफ़ी चला रहे थे 4-5 गियर पे, अब जो है पहाड़ों पे बार बार सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही करना पड़ रहा है, फोर्थ पे सब बहुत कम हो जाएगा हमारा यहाँ। और ये पहला टॉल प्लाजा है, शिमला आने के लिए ये पहला टोल प्लाजा है, पंचकुला के बाद आपको मिलेगा। पहाड़ों पे बसे हुए होटल रेस्टोरेंट्स कैफे सब चीज़ मिल रहा है, वो ऊपर जो गाड़ियाँ दिख रही है हम लोग को ऐसे ऐसे करते हुए जाना है। तो अभी सोलन से ठीक पहले में एक भाई मिले, इनकी बाइक पे BR नंबर था। तो ये गौतम है, कंकरबाग के निवासी हैं ये, पटना शहर के, और सोलन में इनका कॉलेज है, ये यहाँ पे स्टडी करते हैं और ये परसों चले थे पटना से और अभी ये अपने क्लास को जाने वाले हैं, इनको लेट भी हो रहा है। आप जिस रूट पे भी हो, दिस इज़ कॉल्ड दी हेवन एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट, आप अच्छे से राइड करो, हैव अ सेफ जर्नी। एंड यार मेरा भी मन है पर्सनली जाने का, बट द थिंग इज मेरे क्लासेस हैं और सबसे बड़ी दिक्कत है 19 तारीख से मेरे एंटम के पेपर्स हैं। तो हमारा आज का सुबह का पहला नाश्ता और ये एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, पूरे रास्ते रेस्टोरेंट ही मिलेगा और यहाँ से व्यूज़ बहुत प्यारे आ रहे हैं बैक साइड से, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, बहुत प्यारा है, पहाड़ों पे आकर के दिल खुश हो जाता है।
ये वो रेस्टोरेंट था पंकज होटल पंकज, जहाँ पे अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया। इसके बैक साइड में बहुत बढ़िया व्यू बन रहा था, तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ है हमारा कुछ 10 बजे के करीब में, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे शिमला रेकोंगपियो की तरफ। शिमला 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 ये है शिमला, सोलन, सोलन शहर का नाम है और उसी से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इसके ठीक बाद में शिमला है। दो मिनट का स्टे करते हैं यहाँ पे। तो अभी पहुंचने वाले हम लोग शिमला, और रास्ते भर में हैवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चारों तरफ हाईवे 4 लेन बन रहा है और रोड्स अच्छे हैं, बट कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है, फिर भी अच्छा लग रहा है। और ये रास्ते में यहाँ के लोकल फ्रूट्स हैं, ये खा रहे हैं हम लोग, अच्छा लग रहा है। इसका नाम है पीच, ये यहाँ का लोकल फ्रूट्स है जो कि हम लोग अपने शहरों में 400-500 रुपए किलो खरीदते हैं, यहाँ पे 60 रुपए किलो मिल रहा है। ये है शिमला शहर का इनर पार्ट, लेकिन इधर में काफ़ी स्लोली स्लोली एंट्री हो रही है। अराउंड 3-4 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियों की लाइन लग गई है और रास्ता बहुत ही नैरो है, क्योंकि एक बार में दो ही गाड़ियाँ जा सकती है, इसलिए एक लाइन से ही सभी चीज़ें चल रही है। अपनी तो बाइक है, इसलिए साइड साइड से जैसे ही रास्ता मिलता है थोड़ा सा भी निकाल लेता हूँ मैं। आज लगता है कुछ यहाँ पे इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट, चारों तरफ झंडा लगा हुआ है। रेकोंगपियो जाने के लिए, कहाँ के लिए? रेकोंगपियो। यहाँ पे लोकल जो होटल्स वगैरह हैं उसके लिए एजेंट्स वगैरह हर वक्त आपको, बाइकर हो चाहे कार वाले हो, सबको रूम रूम करके बुलाते रहते हैं। तो ये है शिमला से रेकोंगपियो जाने का रास्ता। शिमला नहीं रुका मैं क्योंकि हैवी ट्रैफिक था उधर में, मॉल रोड वगैरह पे घुसने का मतलब है कि आपको अच्छा खासा 2 घंटा चला जाएगा। आज का जो हमारा टारगेट है कम से कम वो पूरा करने के चक्कर में लगे हैं। कोई लोकल कह रहा था कि 12-1 बज जाएगा आपको रेकोंगपियो पहुंचने में, उतना तो रात में चलाना ही नहीं है पहाड़ों पे गाड़ी। और ये पूरे रास्ते भर का नज़ारा, ये शिमला से बाहर निकल गए हैं, काफ़ी देर हो गया और कुफरी भी पार कर गए हैं। कुफरी में थोड़ा सा रुके थे बस हल्का फुल्का स्नैक्स के लिए। ये जगह है मतियाना,
जैसे यहाँ के लोकल लोग हैं सर पे हमेशा स्कार्फ बांध के रखते हैं, और जेंट्स लोग हमेशा जो है टोपी इस तरीके का पहन के रखते हैं। ये सारे सेब के बगान बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ कुछ व्यूज़ यहाँ के इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, हर टर्निंग पे व्यूज़ बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे एप्पल की फैक्ट्रीज वगैरह नज़र आई दो चार, जहाँ पे ये एप्पल्स को ले जा कर के पैकिंग वगैरह करते हैं। ये प्यारा सा जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये है नारकंडा से रामपुर जाने का, और ये बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है यहाँ गाड़ी चला के। ठंड लग रही है, ये तराई है ना पहाड़ों का दूसरा साइड, इसलिए इधर थोड़ा ठंड ज़्यादा है, और अभी ऊपर में बादल वगैरह भी आ गया तो थोड़ी सी बढ़ी हुई है ठंड। यह है शिमला से रिकोंगपियो जाने के रास्ते का नज़ारा, चारों तरफ पहाड़ और गांव, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। ये जो कैंपस है ये एक मंदिर है, ये वो मंदिर है, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बाइक लगाई और तरबूज वगैरह खाए, और मंदिर के बगल से ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही है गांव में, और ये सारे मकान वगैरह हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा भरा है हिमाचल प्रदेश। ये है नारकंडा, जगह है बड़ा प्यारा, चावल दाल सब्जी खाया यहाँ का, लोकल साग भी खाया, मज़ा आया खा करके। और अब आगे बढ़ते हैं रामपुर की तरफ, देखते हैं आज रामपुर पहुँच पाने के लिए। एक ये गूगल मैप और एक लोकल आदमी के थ्रू पता चला कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे कि आपके 4 किलोमीटर बच सकते हैं, तो हम लोग ये शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं। और ऊपर बादल काफ़ी सारे हो गए हैं, तो लग रहा है जैसे चांसेस की बारिश हो सकती है, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा शॉर्टकट में पहुँचे। और किसी लोकल ने बता दिया तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई चलो गूगल के भरोसे नहीं है। और ये अभी हम लोग एप्पल फैक्ट्री के बीच से होकर निकल रहे हैं। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, there's a family function going on, I think. Wow. Wow, wow.
अच्छा आज वट सावित्री है ना, वट सावित्री की पूजा चल रही है। बहुत भयंकर स्लोपिंग है ये। आ गए हम लोग नेशनल हाईवे 22 पे, गाड़ी बंद करके टैंग टैंग आराम से। मजा तो भयंकर आया, मत पूछिए, हम तो गाड़ियां बंद कर दिए आराम से। बिना गाड़ी, बिना एक्सीलेटर, बिना बैटरी के एकदम चलता आ रहा है गाड़ी। इनका कह रहा हम ना चलेगा, हम तो नहीं चलेगा। फिर इधर को वे क्यार पड़ते हैं जैसे खेती बाड़ी जिमीदारों की जी। अच्छा हाँ जी, वो सारी जो खाली जमीन है वो सब खेती होती है। हाँ इसमें जी क्या नाम, धान, जीरी, कणक, वो बी वगैरह सब लगती है जी। फिर साथ साथ फिर इसमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी आ गई, पार को मंडी डिस्ट्रिक्ट भी आ गई, इधर को हिमाचल डिस्ट्रिक्ट आ गई। अच्छा। तीन डिस्ट्रिक्ट इकट्ठी पड़ती है। हाँ। जैसे साथ साथ की साथ। आप यहाँ पे क्या बेच रहे हो? हम तो ये चेरी, शक्करपाला, प्लम जी। क्या क्या है दिखाना जरा? ये चेरी है सर, चेरी 250 तक जाता जी। बाहर में तो महंगा मिलता है, 400-500 का मिलता है। हाँ जी, यहाँ हमारा सस्ता जी। और ये क्या है? ये प्लम है जी, आलू बुखारा जी। आलू बुखारा? हाँ जी। और ये क्या है? ये शक्करपाला जी। सतलुज नदी का बहाव काफी आगे जा कर के ये मिला है, बहुत ही प्यारी नदी लग रही है, बहुत ही प्यारी। साथ में ये रास्ता है जिसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। ये जो मैंने आपको पहाड़ों के ऊपर से जो दिखाया सतलज नदी, अभी मैं उसके ठीक पैरेलल चल रहा हूँ। नदी के बहाव के साथ साथ मैं बगल से सड़क पे चल रहा हूँ, और यहाँ से सुल्तानपुर अभी अराउंड 28 किलोमीटर्स या 29 किलोमीटर्स है। अंधेरा, सूरज पहाड़ों के पीछे में छुप चुके हैं, तो जल्दी ही यहाँ पे अंधेरा भी हो जाएगा, उसके बाद फिर पहाड़ों पे शायद गाड़ी चलाने में दिक्कत हो। ऐसा लोकल कह रहे हैं कि कोई दिक्कत होती नहीं है, आप आराम से जाओ, आराम से पूरी रात 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं। गाड़ियाँ तो चलती है 24 घंटे, लेकिन चलाने वाला भी तो सही होना चाहिए ना। देखते हैं आगे चल के, एक बार रामपुर में रुक करके देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है आगे। अब बारिश से पूरा सड़क जो है गीला हो गया है यहाँ पे। और साथ में है सतलुज नदी, साथ में ये रोड, बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा है। ये रामपुर जाने के रास्ते में ये सतलुज नदी के बगल से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग है, बड़े बड़े पत्थर सब टूट करके, मतलब कि इस रास्ते को बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा है। यहाँ से रात के वक्त में क्रॉस करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। लाइटिंग तो होगी नहीं बिल्कुल भी, और वैसे में यहाँ आना बहुत टफ होगा। ये पुराना कोई पुल था लगता है, उसको तोड़ करके यहाँ कुछ नया मेगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इस मेगा कंस्ट्रक्शन को होने में तो कई बहुत समय लगेगा। इतने सारे जेसीबी लगे हुए हैं, हाईवा लगा हुआ है, और ये पहाड़ सब टूट टूट करके गिर रहा है। ओ बाबा, वहाँ ऊपर में मंदिर है कोई, वहाँ हनुमान चालीसा बज रहा है, हनुमान जी का भजन बज रहा है, अच्छा लग रहा है साउंड।